गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वंदना मिश्रा। आज मैं फिर आपकी ईवीएस क्लास लेकर आई हूँ। ईवीएस में हम आर एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसके लिविंग कंपोनेंट प्लांट्स के टाइप के बारे में स्टडी किया था। आज हम प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट, जैसे आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे प्लांट की बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लाइक लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स। तो किस पार्ट का क्या काम होता है और कौन से पार्ट की क्या विशेषता होती है, उसे हम आज स्टडी करेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, पार्ट ऑफ अ प्लांट। हाय फ्रेंड्स, टुडे लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट ऑफ अ प्लांट। सो दिस इज अ ग्रेड वन लेसन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we know a plant has many parts. The root, stem, leaf, flower and fruit are the different parts of the plant. So let's learn about each part of the plant. So the first part is the flower. So I am sure that most of you have seen flowers, yes? So the flower is the beautiful part of a plant. It has different shapes, sizes and colors. So the flower also produces seeds or fruits. अब देखिए, फर्स्ट पार्ट जिसे हम स्टडी करेंगे वो है फ्लावर। आपके घर के गार्डन में भी अच्छे अच्छे फ्लावर्स के प्लांट लगे होंगे ना, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते होंगे। फ्लावर्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना? फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। और आपको पता है, प्लांट का सबसे सुंदर पार्ट उसके फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स के कारण ही हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स अपने घरों में लगाते हैं, गार्डन्स में लगाते हैं। आपके स्कूल के गार्डन में भी अच्छे अच्छे फ्लावर्स के प्लांट लगे होते हैं। तो ये फ्लावर्स प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं और फ्लावर्स में अलग अलग तरह की बहुत अच्छी अच्छी स्मेल भी होती है। फ्लावर्स की स्मेल हमें अट्रैक्ट करती है ना, और फ्लावर्स से बहुत सारे इंसेक्ट भी उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, जैसे बटरफ्लाई एंड कुछ बर्ड्स, ये सब, और हनी बीज, ये सब भी प्लांट के फ्लावर्स को ही विजिट करती हैं। और प्लांट के फ्लावर्स को विजिट करके जो प्लांट के फ्लावर्स का जूस होता है, जिसे हम नेक्टर कह सकते हैं, उसे वो पीती हैं। और ये फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, क्योंकि फ्लावर ही बाद में फ्रूट बना लेते हैं। आप फ्रूट्स खाते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आपको प्लांट से मिलते हैं, तो ये फ्लावर ही फ्रूट बनाते हैं। Let's talk about fruits. So fruits, I'm sure most of us love fruits. Fruits are good for our health and fruits are also very tasty. So we have example like the strawberry fruit and also the orange fruit, the mango fruit, all these are fruits. Now let's talk about leaf. अब देखिए, प्लांट से हमें जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें मिलता है वो मिलता है फ्रूट्स। आप ढेर सारे फ्रूट्स खाते होंगे। कुछ फ्रूट्स को आप सब्जियों के रूप में यूज करते हैं, जैसे टमाटो, ब्रेंजल एंड लौकी एंड डिफरेंट एंड लेडी फिंगर। तो ये सब फ्रूट्स जो हैं, इन्हें आप एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। और कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम उनके टेस्ट के कारण यूं ही खाते हैं, जैसे कि बनाना एंड ऑरेंज एंड एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड डिफरेंट फ्रूट्स आ गया, वाटरमेलन। तो ये डिफरेंट फ्रूट्स हम उनके टेस्ट के कारण हम उन्हें खाते हैं। तो प्लांट के कुछ फ्रूट्स को हम सब्जियों के रूप में यूज करते हैं और कुछ फ्रूट्स को हम राइप यानी कि कच्चा ही खाते हैं। ये फ्रूट्स किससे बनते हैं? ये सारे फ्रूट्स फ्लावर से बनते हैं। फ्लावर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो वो थोड़े समय के बाद फ्रूट बना लेता है। और फ्रूट के अंदर हमको प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिलता है, वो होता है सीड, जिससे कि सीड से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं, दैट इज द लीव। सो लीव इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच मेक्स फूड फॉर द प्लांट। सो द लीव इज ग्रीन इन कलर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स आर नीम लीव, द लोटस लीव, द बैनियन लीव्स, ऑल दीज आर लीव्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट। अब देखिए, जो उसका
थर्ड पार्ट है वो है लीव्स। लीव्स तो ग्रीन कलर की होती हैं, ज्यादातर प्लांट की लीव्स ग्रीन कलर की होती है ना, पर कुछ लीव्स कुछ डिफरेंट कलर की भी होती हैं। कुछ कुछ में लीव्स में अलग अलग कलर के शेड्स होते हैं, तो उन लीव्स को भी हम उनकी ब्यूटी के कारण अपने गार्डन में लगाते हैं। लीव्स का शेप भी अलग अलग तरह का होता है एंड लीव्स के किनारे भी किसी के कटे कटे से किनारे होते हैं, किसी के बिल्कुल चिकने से किनारे होते हैं। तो लीव्स अलग अलग शेप एंड साइज की होती हैं, पर सारी लीव्स मोस्टली ग्रीन होती हैं। आपको पता है बच्चों ये ग्रीन लीव्स का क्या काम होता है? प्लांट के जितने भी पार्ट ग्रीन होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। आपके घर में आपके लिए फूड कौन बनाता है? आपकी मम्मा बनाती है ना, ऐसे ही प्लांट के लिए फूड उसकी लीव्स बनाती हैं, क्योंकि उनमें जो ग्रीन कलर होता है वो एक केमिकल की वजह से होता है, क्लोरोफिल, और ये केमिकल ही प्लांट्स की लीव को फूड बनाने में हेल्प करता है। So the stem is the part of the plant which carries food and water to the plant, and the stem supports the plant and it is the part which is above the ground. So the next. अब देखिए next part जो plant का होता है वो होता है stem. स्टेम देखिए ज्यादातर पेड़ों का स्टेम कितना मजबूत होता है, जैसे ट्रीज का स्टेम इतना मजबूत होता है कि उसे ट्रंक कहते हैं, ट्रंक, और इस ट्रंक से जब ट्री को काटते हैं तो फिर इस ट्रंक से बहुत सारा फर्नीचर भी बन जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे कोमल कोमल प्लांट होते हैं उनका स्टेम भी इतना ताकतवर तो होता है कि प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। तो स्टेम प्लांट का सबसे मजबूत पार्ट होता है, ये प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है, और इसी स्टेम में बहुत सारी लीव्स लगती हैं, इसी में फ्लावर्स लगते हैं और इसी में फ्रूट्स लगते हैं। सो द वर्क ऑफ स्टेम इज टू मेक द प्लांट अपराइट इन द सॉइल। प्लांट को सॉइल में सीधा खड़ा रखना ये स्टेम का काम है, एंड इट्स नेक्स्ट वर्क इज टू बियर द लीव्स फ्लावर्स एंड फूड। और स्टेम क्या करता है, जो लीव्स फूड बनाती हैं उसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, क्योंकि स्टेम के अंदर ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब क्या करती हैं, फूड को कैरी करती हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक। और जो रूट्स प्लांट की, जो रूट्स भी प्लांट की जमीन से जो वाटर अब्सॉर्ब करती हैं उसे भी स्टेम ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रूट। पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज द रूट। सो द रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल। सो द रूट कैरीज द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। सो द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज अंडर द ग्राउंड। Now let's talk about seeds. So seeds. आप देखिए रूट कहाँ रहती हैं? जमीन के अंदर रहती हैं। So root is the plant part which remain under the soil. ये जमीन के अंदर रहता है। But root fixes the plant firmly in the soil. ये प्लांट को जमीन में एकदम मजबूती से जमाए रखता है। अगर प्लांट की रूट इतनी मजबूत ना होती तो कभी भी प्लांट जमीन में इतना मजबूती से नहीं खड़ा रहता। एंड द नेक्स्ट वर्क ऑफ रूट इज टू एब्जॉर्ब द वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स में बहुत महीन महीन ब्रांचेस होती हैं, वो जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं एंड प्लांट के लिए वॉटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर ये वॉटर एंड मिनरल्स स्टेम से होते हुए प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज सीड। सीड्स आर डिफरेंट काइंड्स, लाइक वी हैव द पी सीड, वी हैव द राइस सीड, वी आल्सो हैव द व्हीट सीड। सो व्हाट इज अ सीड? सीड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर द प्लांट एक्चुअली ग्रोज। सो अ सीड बिकम्स अ सैपलिंग एंड देन द सैपलिंग बिकम्स द प्लांट। अब देखिए प्लांट का नेक्स्ट पार्ट होता है सीड। आपको पता है न्यू प्लांट किससे ग्रो करता है? सीड से। जब हम सीड को जमीन में गाड़ देते हैं तो उससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। अब ये सीड बनता कैसे है? आपको पता है फ्लावर्स प्लांट में होते हैं, ये फ्लावर्स फ्रूट बनाते हैं और फ्रूट के अंदर सीड बनता है। फिर ये सीड जब सूख जाता है और कुछ समय के बाद ये सीड जमीन में जब बोया जाता है तो न्यू प्लांट को जन्म देता है। तो सीड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रोज। अब इस तरह से हमने प्लांट के सारे पार्ट्स को स्टडी कर लिया। अब हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं और
आप इस वीडियो को सुनिएगा, फिर हम इसके पार्ट्स के बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.